जय श्री महाकाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुर्लभ कश्यप की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म के बारे में। दरअसल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि दुर्लभ कश्यप की जिंदगी के ऊपर एक फिल्म बनने जा रहा है, और मैंने बताया था कि जय रांधवा जो कि इस फिल्म में मेन रोल निभा रहे हैं, यानी कि दुर्लभ कश्यप का रोल निभा रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं उन सब बातों पर चर्चा नहीं करूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में करा था, तो उस वीडियो को भी आप देख लेना और इस वीडियो को भी पूरा देखो। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि दुर्लभ कश्यप की जिंदगी के ऊपर ये फिल्म क्यों बनाया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बनाया जा सकता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप को ही क्यों सेलेक्ट करा गया, तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के ऊपर आज के समय में जो ये फिल्म बनाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दुर्लभ कश्यप जिसने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया, और दुर्लभ कश्यप जब तक जिंदा रहा तब तक इसने खूब तहलका मचाया। आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप आज के समय में दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी आज के समय में सोशल मीडिया पर दुर्लभ कश्यप का चर्चा होता है, और मुझे पता है ना कि लोग आज के समय में दुर्लभ कश्यप की वीडियो को बड़े चाव से देखते हैं। अभी आप भी दुर्लभ कश्यप के बारे में सुन रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको दुर्लभ कश्यप में थोड़ा सा तो इंटरेस्ट है, इसीलिए तो आप सुन रहे हो। तो दुर्लभ कश्यप के ऊपर जो ये फिल्म बनाया जा रहा है, क्योंकि दुर्लभ कश्यप ने मात्र 16 साल की उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था। देखो, नाम दो ही लोगों का होता है, या तो जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है उसी का, या फिर जो सबसे बुरा काम करता है उसी का। तो आपको तो पता चल ही गया कि दुर्लभ कश्यप की जिंदगी के ऊपर ये फिल्म क्यों बन रहा है। अब देखो, यदि दुर्लभ कश्यप जिंदा होता तो क्या आज के समय में उसके ऊपर ये फिल्म बनता, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये फिल्म नहीं बन सकता था। अब आप कहोगे कि क्यों नहीं बन सकता था। दरअसल आपको बता दूं कि आदमी जब चले जाता है दुनिया से तब उसका नाम होना शुरू होता है, और जब तक जिंदा रहता है तब तक उतना ज़्यादा नाम नहीं होता है। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक उदाहरण आ रहा है। यदि आप लोगों ने सुपर 30 मूवी देखा होगा जो कि आनंद सर, पटना के जो आनंद सर हैं उन्हीं के ऊपर बनाया गया है, तो आनंद सर आज के समय में जीवित हैं, और उन्होंने जो काम करा तो उस काम को देख करके आज के समय में बॉलीवुड वालों ने एक फिल्म बना दिया जिसका नाम सुपर 30 रखा गया। शायद हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, या फिर यदि नहीं देखा है तो उस फिल्म को देखना बहुत मज़ा आएगा। तो हम बात कर रहे थे दुर्लभ कश्यप के बारे में। तो दुर्लभ कश्यप यदि जिंदा होता तो पक्का उसके ऊपर ये फिल्म नहीं बनने वाला था, लेकिन आज के समय में वो दुनिया में नहीं है, और दुर्लभ कश्यप की कहानी को जब लोग सुनते हैं तो लोगों को बड़ा मज़ा आने लगता है, क्योंकि उसका कहानी ही बड़ा फिल्मी है। दरअसल आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप की फिल्म को तो जय रांधवा बना रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आज के समय में जो दुर्लभ कश्यप के दोस्त हैं जैसे कि चयन सिके, राजदीप मंडलोई, अब इन लोगों के मन में क्या चलता होगा? क्या इन लोगों के मन में नहीं इच्छा जगता होगा कि मुझे भी इस फिल्म में भाग लेना चाहिए? देखो, आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कहा जाता है कि राजदीप मंडलोई ने एक लाइव करा था जिसमें उसने कहा था कि सही बात है कि दुर्लभ कश्यप का रोल जय रांधवा कर रहा है, लेकिन अगर हमारा रोल भी कोई करेगा तो ठीक बात है, कोई बात नहीं। तो चाहे दुर्लभ कश्यप का कोई भी दोस्त क्यों ना हो, तो किसी को भी कोई शिकायत नहीं है इस चीज़ से। उसके दोस्त यहाँ तक कि बहुत खुश नज़र आ रहे थे कि दुर्लभ कश्यप के ऊपर फिल्म आ रहा है। वैसे आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप के फिल्म का जो ये पोस्टर जारी किया गया, कहा जाता है कि उस पोस्टर को लगभग 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने शेयर करा, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यदि दुर्लभ कश्यप का ये फिल्म आता है तो बहुत सारे लोग देखेंगे। अब आपको बता दूं कि दुर्लभ कश्यप से पहले जय रांधवा ने एक शूटर फिल्म करा था जो कि गैंगस्टर सुखा कहलवा की जिंदगी पर आधारित था, लेकिन आपको बता दूं कि उस फिल्म को फिल्म थिएटर में नहीं चलाया गया, कहा जाता है कि सरकार ने उस फिल्म को बैन कर दिया। तो यही चीज़ है, कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप की फिल्म के साथ भी ये ना हो। तो बस, यदि आता है कोई ना कोई खबर तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज के समय में दुर्लभ कश्यप की फिल्म का चर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है, आप सोशल मीडिया पर देख लो, जितने भी दुर्लभ कश्यप की वीडियो बनाने वाले लोग हैं वो दुर्लभ कश्यप की फिल्म के बारे में तो ज़रूर चर्चा करते हैं, लेकिन अभी दुर्लभ कश्यप फिल्म का ना तो ट्रेलर आया है और ना ही अभी वो मूवी रिलीज होने का कोई आशंका जताया जा रहा है। बस एक चर्चा चल रहा है, और यदि आगे कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को बताऊँगा। और मैं कभी भी किसी भी आपराधिक चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, मैं कभी भी अपराध का समर्थन नहीं करता हूँ, इस बात को आप लोग अच्छे से सुन लो। और देखो यार, कुछ लोग ना मुझे कहते हैं कि भाई मेरे ऊपर वीडियो बनाओ, ये बात भी आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझे मैसेज करते हैं, या फिर मैसेंजर के माध्यम से मुझे मैसेज करते हैं, क्योंकि फेसबुक पर भी सरकार मोटिवेशन का एक पेज बना हुआ है जहाँ की बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लड़के हैं जो कि हमको मैसेज करते हैं, प्लीज़ सर मेरे ऊपर एक वीडियो बनाओ। यार ये क्या है, बहुत सारे लड़के हैं जो कि गलत गलत काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो भी दुर्लभ कश्यप की तरह हिट हो जाएगा, उसके ऊपर भी मूवी बनेगा। अरे यार, ये सब गलत चीज़ है। जो लोग गैंगस्टर बनने की सोच रहे हो, गलत चीज़, ऐसा नहीं करना है, अच्छा काम करो। देखो, दुर्लभ कश्यप आज के समय में दुनिया में नहीं है, तो कितने दुखी है ना उसके पिताजी।
क्योंकि जो भी गेंगबाजी करता है उसका कहीं ना कहीं दुश्मन बढ़ जाता है और एक ना एक दिन उसको इस दुनिया से जाना ही पड़ता है। अभी हाल ही का एक घटना है देवा गुर्जर के बारे में, देवा गुर्जर के दोस्त ने ही उसका कत्ल कर दिया। तो चलो, हम चर्चा कर रहे थे दुर्लभ कश्यप मूवी के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने चर्चा कर दिया। तो वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, यही कहूँगा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना जय श्री महाकाल। और कोई भी वीडियो बनाने के लिए मुझे मत बोलना, प्लीज़ जितना बार कहना है मैं कह देता हूँ यार कि वीडियो बनाने के लिए नहीं कहना। तुम लोग अच्छा काम करो, अच्छा काम करोगे तो मैं अपने आप वीडियो बना दूंगा। बस मिलता हूँ अगले नए वीडियो में, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आगे बढ़ते रहो।